बारिश से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित और सावधान रहने की जरूरत पहाड़ी इलाके के लोगों को है, क्योंकि इस समय पानी लोगों के घर तक घुस गया है, सड़कें जाम हो गई हैं, नदियों में उफान की वजह से काफी एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का ये वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस मुश्किल के समय में भी कोई बच्चों की जान यूं खतरे में कैसे डाल सकता है। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के गुना का है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बच्चे किस तरह उफनती नदी को पार करने के लिए रस्सियों का सहारा लेते दिख रहे हैं। गुना इलाके के ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए वहाँ कोई पुल या ब्रिज की सुविधा नहीं है। इसलिए वहाँ व्यस्त लोगों को लेके बच्चों तक को अपनी जान को खतरे में डालकर रस्सियों के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि नदी की गहराई 6 फीट और 20 फीट चौड़ी है। लोग किसी तरह अपना बैलेंस बनाकर नदी पार कर रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अगर किसी का जरा सा बैलेंस बिगड़ता है, कोई भी सीधा उफनती नदी की चपेट में आ सकता है। गौरतलब है कि ऐसे वीडियोस वायरल होने की वजह से नायब तहसीलदार शैलजा मिश्रा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ग्रामीणों को सलाह देने को कहा है और उन्हें रस्सियों से नदी पार करने को मना करा है और वहाँ मौजूद रस्सियों को हटवा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि रस्सियों को हटवाने से क्या उन ग्रामीण लोगों की जिंदगी ठीक हो जाएगी? जब तक सरकार इन मामलों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक शायद इन सभी बच्चों को अपनी जिंदगी से रोज ऐसे ही खेलना पड़ेगा। सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पुल बनवाने के प्रबंध करने के साथ साथ वहाँ यातायात के साधनों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मीडिया दरबार। धन्यवाद।